अब सामने एक झलक पे जो फोर सर्बेनिया है मैं वो क्लियर करने आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे सामने देख रहे होंगे तो अच्छा प्रोजेक्शन वाला हेडलाइट TRL का सेटअप है, ये अर्बेनिया सेंटर में लिखा हुआ है। सामने का भाग भी अगर मैं बताऊँ ना तो कौन कौन सी चीज़ प्लास्टिक है और कौन कौन से मेटल, वो आवाज़ के थ्रू में आप एक बार समझने की कोशिश कर लीजिएगा। इसके बाद जैसे नॉर्मल नीचे का बम्फर, थोड़ा सा फॉगलैम का सेटअप, साथ में व्हील कैप, यहाँ पर एक प्रॉपर इंडिकेशन, और जैसे ओपनिंग के बाद ये कुछ इंटीरियर का सेटअप रहेगा। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहलू है मैं वो बताता हूँ। अब इस पहलुओं को जो कवर कर रहा हूँ तो इसका सामने का जो पूरा रिफ्लेक्शन सेटअप है वो भी देख लीजिएगा। ये प्रोजेक्शन काफ़ी फेंकता है, ये जो अपर साइड है DRL का, अंदर देख रहे होंगे तो रिफ्लेक्टर लगा हुआ है। मेन यहाँ का खेल है ये प्रॉपर एक स्लाइडिंग डोर मिल जाता है जिसका ये कुछ जिगांटिक सेटअप है। अंदर घुसने के बाद कुछ ये इंटीरियर मिलेगा इस खूबसूरत से अर्बेनिया में, जिसमें ये वाला भाग यहाँ से इनपुट और ये रहा जो पूरा आपका वेंट्स देगा। हर एक सीट के लिए एक प्रॉपर है, जिस दो साइड है तो जैसे यहाँ पर दो के सेटअप दिए हुए हैं जो ऑफ कोर्स आप सेट कर सकते हैं। जिसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें अगर इस बाएं की तरफ देखेंगे तो एक सीट के लिए एक यहाँ पर AC के वेंट्स दिए हुए हैं, विच इज़ अ बेस्ट पार्ट। उसके अलावा जैसे सामने देखेंगे तो डैशबोर्ड में देखिए, अब पुराने ट्रैवलर के कंपेयर में अगर इस अर्बेनिया को काउंट करेंगे, क्योंकि अपग्रेडेशन काफ़ी महंगे लेवल पे है, ऑफ कोर्स 33 लाख के प्लस आ रहा है और वो ठीक ठाक आपको 20 के अराउंड मिल जाता है, तो उसके कंपेयर में बहुत ही सारी चीज़ें अपग्रेडेड है। सामने से यहाँ दो सेट और एक ड्राइवर सीट, ये दो दो के पेयर पे है, और पीछे जैसे देख रहे होंगे तो लास्ट में आपको कुछ इस प्रकार के चार सेटअप मिलेंगे। जहाँ मैं लास्ट में खड़ा हूँ करेक्ट उसी के नीचे यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टेपनी दी हुई है, और पीछे से कैसे दिखता है तो वो कुछ इस प्रकार से। अब 30 लाख का एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट है और आप शौकीन हैं तो ये बहुत ही सटीक गाड़ी मेरे हिसाब से ऐसा व्यवस्थित लगा। और साथ ही साथ जैसे ड्राइव एक्सपीरियंस का थोड़ा बहुत रुख में जब निकाल रहे थे तब एक चीज़ समझ में आया कि इसका जो एक प्रॉपर रनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू फोर्स, जिसके कारण मुझे बेहतर लगा। स्पीकर भी जैसे इनपुट आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर बीच बीच में दिए हुए। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं, उदाहरण के तौर पे कुछ भी अगर एक गाना वगैरह चल रहा है तो वो इत्मीनान से पूरे एरिया पे अच्छा से गूंजेगा। अब एक और मैं चीज़ आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे समझ लीजिए आप लेफ्ट साइड बैठते हैं, उदाहरण के तौर पर यहाँ जैसे मैं पीछे बैठा, अब इसका जो ग्लास सेटअप है ना ये काफ़ी ऊँचा है। ऊँचा का तात्पर्य ये है, किसी भी एक लग्जरी बस में आप नोटिस कर रहे होंगे जहाँ पर आप बैठते हैं, जैसे ये बैठे हैं तो करेक्ट हाइट जो सर का लेवल है वो इतना है, तो उससे जो ऊपर लेवल है मतलब इस लेवल पे करेक्ट ग्लास रखने का फ़ायदा ये होता है कि कभी भी जैसे लीनिंग पोजीशन में मैं देखूँगा, जैसे करेक्ट आई पर्स्पेक्टिव से दिखा रहा हूँ, तो ये नॉर्मल जैसे गाड़ियों पर ये कुछ व्यू ऐसा दिखता है बैठने पर। अब इसका क्या है कि ग्लास ऊपर है तो फ़ायदा ये होता है कि आप कुछ इस प्रकार के लुक देख सकते हैं। अब देखिए करेक्ट मैं उस आई साइड से आपको पूरी ये बाहर की वादियाँ दिखा रहा हूँ, ये खूबसूरत सा आसमान जिसमें मैं एक लीनिंग पोजीशन पे बैठा हुआ, जिसके कारण ये कुछ जो ऊंचा ग्लास का कॉन्सेप्ट है वो बड़े बड़े बसेस में भी काम आता है, तो वो भी सेम एज इट इज़ इसमें भी काम आएगा कि कभी भी आप बैठते हैं तो सर नीचे होने की वजह से वो बहुत अच्छा सेटअप करता है। उसके बाद सीट की कम्फर्टेबिलिटी के बारे में भी बात करूँ तो एक कुशन है ठीक ठाक, यहाँ पर हैंड रेस्ट दिया हुआ है पीछे और सब चीज़ है। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये पीछे हल्का सा लीन हुआ है सीट, अब मैं जिसमें बैठा हुआ था उसको दिखाता हूँ तो कुछ इस प्रकार से पूरा लीन हुआ है, जिसके कारण फ़ायदा ये है कि इत्मीनान से जब आप नॉर्मल यहाँ पर बैठे हैं और जब ऐसे पूरा लेट जाएंगे तो ज़्यादा एक कंफर्ट लग्जर फील होगा। अब इसके बाद जो ये वाला मैं चीज़ जो दिखा रहा था, यहाँ पर आपका एक प्रॉपर लाइट का सेटअप, वेंट्स दिए हुए हैं, तो दोनों एक साथ देने का फ़ायदा ये होगा कि एक सीट के लिए सेपरेट मिल जाता है जैसे इसमें भी है, और वही चीज़ वहाँ पर जैसे दो लोग बैठे हैं तो दो के हिसाब से दोनों वेंट्स भी दिए हुए हैं। जैसे क्लोज बाय दिखाऊं तो ये दोनों वेंट्स हैं और साथ ही साथ दो लाइटिंग भी दी हुई है। उसके बाद जैसे पीछे से सामने से कैसे दिखता है और पीछे से मैं दोनों ये ऑप्शन दिखा दिया। अब इसके बाद ये जैसे स्लाइडिंग डोर का ये जो सेटअप है और व्हील को दिखाने के बाद अगर मैं पीछे की तरफ आऊँ तो वो पीछे कुछ इस प्रकार से दिखेगा। तो पीछे से सच बताऊं तो थोड़ा सा मुझे शांत लगा, बट ओवरऑल आई थिंक इट्स बेस्ट, जिसमें लेफ़्ट साइड फोर्स लिखा हुआ है और राइट साइड अर्बेनिया लिखा हुआ है, जिसके कारण थोड़ा सा मुझे लगता था और ग्लास सेटअप देना था, बट प्रॉबेबली उतने आउटपुट के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट मुझे ऐसा लगा।
जो साइड का लुक अगर दिखाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। सो ये था क्विक ग्लेंस हमारी 33 लाख के इस ब्रह्मास्त्र के लिए। आपको कितना बेहतर लगा इस फोर्स की अर्बेनिया का, मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए।